बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यूपी व उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, वह किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में आगामी चुनाव में बीएसपी की जीत तय है। मायावती ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी मांगे मानने की भी अपील की। आपको बता दें कि मायावती का शुक्रवार को 65वां जन्मदिन भी है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा कि वे कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत का स्वागत करती हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाएं। वहीं मायावती ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले मायावती ने समर्थकों से अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, कल 15 जनवरी सन 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है, जिसे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते व इसके नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं तो बेहतर होगा। आपको बता दें कि साल 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लखनऊ में मुलाकात की। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 0, 2017 के विधानसभा चुनाव में 20 से भी नीचे पहुंचने के बाद 2019 में सपा के 7 के बाद दहाई सीट जीतने वाली मायावती की सियासत एक बार फिर डामाडोल, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसके साथ ही यह हमारी पार्टी का केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे तो ये उचित होगा। इसके अलावा आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा आम चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.